हेलो बच्चों, मैं अमीना और इस वीडियो में आज मैं आपके पास लेके आई हूँ रंग बिरंगा रेनबो, कलरफुल रेनबो इंद्रधनुष। तो बच्चों, ये इंद्रधनुष हमें कब दिखता है और कहाँ दिखता है? इंद्रधनुष ऊपर आकाश में जब बारिश होती है और उसके बाद जब धूप निकलती है उस समय हमें दिखता है इंद्रधनुष, जो 7 रंगों का होता है। और वे रंग कौन कौन से हैं बच्चों? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो यहाँ पर आप कलर्स देख रहे हैं, ये 7 कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेनबो में हमें ये 7 रंग दिखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप अभी रेनी सीज़न में रेनबो देखने का मौका कभी मत छोड़िएगा। तो अभी हम लोग रेनबो के बारे में द रेनबो पढ़ेंगे, जो आपके बुक में है, यूनिट 9 द रेनबो, जो लिखा गया है क्रिस्टीना रोजेट के द्वारा। तो चलिए हम लोग सभी अपने अपने बुक निकालते हैं और पेज नंबर 104 खोलते हैं और आप सभी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट। द रेनबो, बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दीज। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges the heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these, by Christina Rosette. अब इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे, got it? बोट सेल ऑन द रिवर्स, बोट यानी नाव। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, नाव। नाव चलती है कहाँ? रिवर्स में, नदियों पे चलती है नाव। और एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, शिप ये देख रहे हैं आप, जहाज, बहुत बड़ा जहाज है ना, ये चलते हैं समुद्रों में। ये बड़ा सा, ये विशाल, बहुत विशाल होता है समुद्र, वहाँ पर जहाज चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन आप खुले आकाश में, ऊपर नीले आसमान में जो सफ़ेद काले बादल आप देखते हैं, ये क्लाउड्स है, ये बहुत ही आराम से आकाश में घूमते रहते हैं। आर प्रीटियर फार देन दीज, ये बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत होते हैं उन जहाज़ों और नावों से जो नदियों और समुद्रों में चलते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, बहुत सारी नदियों में ऊपर पुल बनाए हुए होते हैं, ब्रिज यानी पुल, ठीक है, एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। As pretty as you please, ये इससे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत पुल भी आपको देखने को मिलेंगे। But the bow that bridges the heaven, लेकिन वो bow यानी धनुष, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये रेनबो का आकार बिल्कुल धनुष की तरह है ना, जो कि हेवन में, ऊपर आकाश में ये ब्रिज तैयार करती है। एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज, जो पेड़ों के ऊपर से होते हुए पार होती है। और एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये रेनबो को देखने से ऐसा लगता है कि ये रोड से, है ना, इस धरती से आकाश तक का ये रोड तैयार किया हुआ है। Is prettier far than these, तो ये जो पुल है जो इंद्रधनुष के द्वारा धरती से लेकर के आकाश तक बनाया हुआ होता है,
ये उन सभी ब्रिजेस से, पुलों से बहुत खूबसूरत होता है जो नदियों के ऊपर बनाया जाता है ना। चलिए एक बार फिर से इस खूबसूरत से पोयम को हम लोग पढ़ते हैं। द रेनबो, बोट सेल ऑन द रिवर्स। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये बोट है, छोटा सा नाव जो कहाँ पर, नदी में चलती है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। और शिप जो दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जहाज है जो बड़े से विशाल से समुद्र में चल रहा है। जहाज, सी यानी समुद्र। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। क्लाउड क्या होता है बच्चों? देखिए ये बादल, आप खुले आसमान में भी बादल बहुत बार देखे होंगे। ये चलते हैं, तैरते हैं आकाश में, खुले आकाश में। आर प्रीटियर फार देन दीज। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है इन जहाज और नावों से जो नदियों और समुद्रों में चलते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ब्रिज यानी पुल है ना, देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है ब्रिज जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती है। ये ब्रिजेस बहुत ही खूबसूरत होते हैं जो नदियों पर बनाए जाते हैं। एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़, इससे भी कई खूबसूरत खूबसूरत पुल आपको देखने को मिल जाएंगे। बट द बो दैट ब्रिजेस द हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज। लेकिन वो बो, वो धनुष, देख रहे हैं आप इसका आकार, इस इंद्र धनुष का आकार बिल्कुल धनुष की तरह है ना, जो कि पुल तैयार करती है स्वर्ग में, हेवन में, पेड़ों के ऊपर होते हुए गुजरती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और ये रोड तैयार करती है पृथ्वी से आकाश तक, जैसा इस तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं इन पुलों से जो नदियों के ऊपर बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पोयम जो क्रिस्टीना रोजेट के द्वारा लिखा गया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।